पूर्णिया के बाल सुधार गृह में कानून के राज के बदले चलता है गुंडों का राज। यहां आने वाले बाल कैदी को किया जाता है थर्ड डिग्री टॉर्चर। पहले भी डबल मर्डर की पटकथा लिखी गई है पूर्णिया बाल सुधार गृह में, और एक बार फिर नए बाल कैदी की हुई है बेरहमी से पिटाई। यूं तो बाल सुधार गृह में आए बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के ही होते हैं, लेकिन यहाँ आकर ये उम्मीद होती है कि ये अपनी अतीत को छोड़ एक बेहतर कल का निर्माण करेंगे। लेकिन पूर्णिया बाल सुधार गृह में सुधार से ज्यादा कानून तोड़ा जाता है। यकीन नहीं है तो देखिए इस बाल कैदी को, जो सदर अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इसका कसूर बस इतना है कि ये इस सुधार गृह का नया कैदी है और ये किसी को पहचानता नहीं है। इसका ये हाल बाल सुधार गृह के अंदर ही पुराने कैदियों ने किया है। इसको इतना टॉर्चर किया गया है कि इसकी आवाज गुम हो गई है और अपनी व्यथा लिखकर बता पाता है। बच्चा सब मारा है। अच्छा, बच्चा सब मारा है। बच्चा सब मारा है। सर, इसके साथ में इसको सोमवार को वहाँ से कस्टडी जब लेके इसको बिच्छा जल यहाँ पूर्णिया भेजा गया, तो रात में शाम 6:30-7 के बीच में एंट्री किया और इसके साथ में मारपीट 10:30-10:30 रात में किया गया। जब हम अंदर गए तो बोले कि नहीं, उसको हॉस्पिटल भेजा गया। जब हम हॉस्पिटल आए तो बहुत ये सीरियस में हालात में था। अभी तो थोड़ा बहुत ठीक है, बाकी उस समय बहुत ये था। और जो गार्ड साहब थे अंदर में, ये अभी लिख रहा है, बोल नहीं सक रहे हैं इसका। और गार्ड साहब को बचाने की कोशिश बहुत ये किए, लेकिन गार्ड साहब बचाए नहीं। कि जो भी हाँ, पहले के पूरा जैसे हम हैं इस तरीके से ठीक ठाक थे। और कहाँ पे मारपीट किया है? जेल के अंदर में। अब बंदी मारा कि अब जेलर मारा, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। घटना के बाद अपने कर्तव्य निभाने वाले पुलिस अधिकारी बच्चे का बयान लेने पहुंचे हैं और ये भी मानते हैं कि इस बाल कैदी के साथ ज्यादती हुई है। ये रिमांड होम में बच्चा उच्चा सब इसको मारपीट किया है, यही बोल रहा है। अब ये पहचान तो रहा नहीं, कल ही आया है, किसी को पहचान नहीं रहा। हाँ, केस हुआ है, अज्ञात पे केस हुआ है, 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर केस में। पूर्णिया बाल सुधार गृह में पिछले दिनों आपसी रंजिश में चली गोलीबारी में एक कैदी सहित एक वार्डन की हत्या हो गई थी, जिसमें कानून अपना काम कर रहा है। बावजूद इसके यहाँ बच्चों के साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सुधार गृह के बच्चे आखिर कैसे सुधरेंगे।